पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से उठने लगी है। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने संवाद छोड़ संघर्ष का रास्ता अपना लिया है। शिमला, कुल्लू, मंडी और कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ द्वारा बैठक व रोष रैली निकाली गई और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। शुक्रवार को नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा गांधी जयंती और संगठन के स्थापना दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश में करीब 150 जगहों पर पेंशन संकल्प दिवस मनाया गया। ये पेंशन संकल्प दिवस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। मंडी में ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कोविड-19 के चलते सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संगठन द्वारा पडल ग्राउंड से गांधी चौक तक शांति मार्च निकाला गया। गांधी चौक मंडी में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और संगठन के सभी कर्मचारियों व पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रतिज्ञा ली। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उनका संगठन गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ेगा। प्रदीप ने कहा कि वे तब तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे जब तक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। सभी ने गांधी जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाया और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी हमने आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया और आज हमारा स्थापना दिवस भी है संगठन का। आज हमने स्थापना दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया। हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं लेकिन सरकार कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही। लोकतंत्र में शासन जो है जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकारें पावर में बैठी हैं उन्होंने यही इस देश में कर रखा है कि ये जो शासन है ये नेताओं का शासन, नेता के लिए और नेता द्वारा ही शासन हो रहा है। क्योंकि सरकार को शायद ये समझ नहीं आ रही कि जनता क्या चाह रही है, कर्मचारी क्या चाह रहे हैं। आज हमारे अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन से वंचित कर दिया गया है लेकिन नेता लोग जो हैं एक नहीं बल्कि तीन चार चार पेंशन ले रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक नेता जो एक दिन में पेंशन ले रहा है और एक कर्मचारी, एक अधिकारी जो 30-35 वर्षों तक जो है अपनी सरकारी सेवा में अपनी पूरी जवानी लगा देता है उन्हें जो पेंशन से सरकार ने वंचित कर दिया है। हमने आज गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये शपथ ली कि हम इनके पद चिन्हों पर चलते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करती तो सरकार को हम अपनी पेंशन बहाली के लिए मजबूर करेंगे। वहीं राजधानी शिमला में भी हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने रैली निकाली और सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव भरत शर्मा ने कहा कि अक्टूबर 2015 को संगठन का गठन किया गया था और तब से अभी तक संगठन की मांगों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पहले मांग पूरा करने के लिए संगठन ने सरकार के साथ संवाद का रास्ता अपनाया था लेकिन हर बार बातें अनसुनी होने की वजह से संगठन ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। भरत शर्मा ने कहा कि अब महासंघ संवाद नहीं बल्कि संघर्ष करेगा और जब तक मांग पूरी नहीं होती महासंघ का संघर्ष जारी रहेगा। 2015 अक्टूबर को सबसे पहले अपने इस जो हमारा संगठन है इसका गठन किया था और हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और हमारा जो तरीका था अपनी पेंशन को बहाल करने का वो तरीका था संवाद के माध्यम से और संवाद के माध्यम से हमने हमेशा सरकार का सहयोग किया है। जब पैरामिलिट्री दिवस पर सरकार को ब्लड की जरूरत थी हमने उस टाइम ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्लड डोनेट किया और तब तक ब्लड डोनेट हमने किया है जब तक हमें जो अपना रेड क्रॉस है और ब्लड बैंक्स हैं इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे को इतना ब्लड पर्याप्त है, इसके बाद हमारे पास इतने से इससे ज़्यादा ब्लड रखने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कोविड-19 का समय आया, सरकार ने बोला हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने उस समय अपनी अपनी सैलरी से एक एक दिन का जो हमारी सैलरी का था वो हमने इनको डोनेट किया। उसके बाद भी हमने 25 लाख के लगभग जो राशि थी वो इनको अपनी तरफ से और दी और उसके बाद सिर्फ एक हमारे जो फेवर में बात आई मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं 2009 के बाद जो अधिसूचना है कि वो अगर एक्सपायर होते हैं तो उनकी फैमिली को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी जाएगी। जो फाइनेंस के लिए उन्होंने फाइल भेजी आज 5 महीने हो चुके हैं और वो फाइल फाइनेंस में ही पड़ी है और अभी तक सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी। हम 2015 से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, वो पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई है
और इसीलिए हमने सोचा है कि अब हम एक नए नारे के साथ उतरे हैं अपने संगठन के। वो हमारा जो नया स्लोगन है वो है NPSC का है ये वादा, अब संघर्ष होगा कम, संवाद होगा कम और संघर्ष होगा ज्यादा। न्यू पेंशन कर्मचारी संघ इकाई कंडाघाट द्वारा शुक्रवार को कंडाघाट में एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक न्यू पेंशन कर्मचारी संघ इकाई कंडाघाट के प्रधान देशराज ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में संघ के सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन को बहाल करवाना था। COVID-19 की गाइडलाइंस के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू होने से पहले सभी न्यू पेंशन कर्मचारी संघ इकाई कंडाघाट के कर्मचारियों ने गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उसके बाद उपस्थित कर्मचारियों ने शपथ ली कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 अक्टूबर को इस मांग को लेकर SDM के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। न्यू पेंशन कर्मचारी संघ इकाई कंडाघाट के प्रधान देशराज ने कहा कि शुक्रवार को इस संघ द्वारा बैठक आयोजित की गई। NPS कर्मचारी महासंघ की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें हमने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया और हमने शपथ ली कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हम यह कार्यक्रम चलता ऐसे ही चलता रहेगा। कुल्लू में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने गांधी जयंती के पावन मौके पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पुरानी पेंशन बहाली की शपथ ली। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद डोगरा ने कहा कि कर्मचारी भी समाज का हिस्सा है और जब कर्मचारी को नुकसान होगा तो उसका खामियाजा समाज को भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जल्द पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। हर एक कर्मचारी के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का मामला है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है पेंशन से ही तय होती है। एक अच्छी पेंशन सैलरी लेने वाला व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसकी पेंशन जो है बिल्कुल कम कर दी गई है। 50,000 लेने वाला व्यक्ति अगर 1200 रुपये पेंशन लेगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो कर्मचारी भी समाज का ही हिस्सा है, तो जब कर्मचारी को नुकसान होगा तो समाज को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक कदम और लिया है, सभी पंचायतों के द्वारा हम लोगों ने जो पंचायतों के माध्यम से एक प्रस्ताव हमने पारित करवाने का प्रयास किया है, वो भी राज्य सरकार को हम प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा सुनेश शर्मा ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो संघ संघर्ष को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघ द्वारा 24 अक्टूबर को सभी उपायुक्त कार्यालयों के बाहर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है वो सभी को पता चल रहा है, क्योंकि इस मांग को मानते हुए हमें काफ़ी लंबे अरसा हो गया है। इसलिए हमें लगता है कि अब हमने अपने संघर्ष को, हमने अपने आंदोलन को हमें और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो हम सब NPS महिला, चाहे वो महिला कर्मचारी हैं चाहे वो पुरुष कर्मचारी हैं, हमें अपने इस मांग को मनाने के लिए हमें जितना भी हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, हम जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।